हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस को कैसे यूज करते हैं उसका हम एक छोटा छोटा सेट बना लिया है दोस्त। जैसे ऑन, ईट, एट, बाय, इससे क्या मतलब होगा कि उस तरह का एक पैटर्न का एक सेट है। हम हमेशा सेट में कंपैरिजन करके आपको बताएंगे ताकि आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह का प्रीपोजिशन है। उसका कहाँ यूज करेंगे, उसका कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा दोस्त। कुछ को हम लोग यहाँ लिख लिए हैं ताकि हम लोग का समय बचेगा और हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। जो प्रीपोजिशन है हमारा, सबसे पहले है ऑन, ईट, एट और बाय। एट और बाय तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ऑन का, इन का, एट का और बाय का। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग टाइम को डिनोट करने के लिए, हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, प्लेस को डिनोट करने करते हैं, ये तो हम लोग को पता है। बट अब उसका यूज कैसे करेंगे ये हम लोग अब सीखेंगे। जैसे आप यहां देखेंगे, ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी दिन को दिखाने के लिए, तारीख को दिखाने के लिए, इस तरह का सिस्टम को दिखाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे जब समय के लिए कर रहे हो। तो इन का प्रयोग कैसे करेंगे दोस्त, जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, एक लंबे अंतराल के लिए बात करेंगे, क्योंकि ये ध्यान देना है कि हम लोग जब टाइम के लिए यूज करें तो कैसे यूज कर रहे हैं। जब एट का प्रयोग करेंगे दोस्त, तो किसी खास मोमेंट के लिए बात करेंगे, एकदम फिक्स टाइम के लिए बात करेंगे। क्लियर हो रहा है, एकदम खास टाइम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर हम 7 बजे बोलते हैं, मतलब 7 बजे। बाय का प्रयोग करते हैं, एक निर्धारित टाइम में उसको काम, एक फिक्स मोमेंट कर देते हैं, टाइम को एकदम फिक्स कर देते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मतलब मैं कितने बजे सोने जाता हूं, जो मेरी आदत है 10 बजे है बिछावन पे चले जाने की, मतलब सोने की हमारी आदत कितने बजे की है, 10 बजे की। तो हम लोग यहां पर ऐड का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, एकदम खास टाइम है, फिक्स टाइम है, हम 10 बजे चले जाते हैं। भैया आप घर में कोई भी हो, कैसा भी हो, हम 10 बजे सोने जाते हैं। डेज आर हॉट इन समर, समर का समय कैसा होता है दोस्त, क्या एक दिन का समर होता है, 2 दिन का समर होता है, नहीं दोस्त, मोटा मोटी ये हमारे यहां 2.5 से 3 महीने का कम से कम समर होता है, कभी कभी 4 महीने का भी हो सकता है। तो गर्मी के दिनों में दिन कैसी होती है, गर्म होती है, तो डेज आर हॉट इन समर, गर्मी के दिनों में दिन गर्मी होती है, उसमें ज्यादा गर्माहट होती है। बी हियर बाय बाय 6 o'clock। अब यहां देखिए, अब दोनों में अंतर क्या है दोस्त, यहां हम लोग एट 10 o'clock बोले हैं, बाय 6 o'clock बोले हैं, मतलब यहां पर हम 10 बजे चले जाते हैं और यहां पर है कि आप यहां तक 6 बजे तक आ जाइए। हो सकता है आप 5:30 बजे आ जाएंगे, हो सकता है 5:45 में, 5:50 में, मतलब आपको यहां पर 5:59 तक वो आने के लिए कहा जा रहा है। यू शुड बी हियर बाय 6 o'clock, आपको यहां होना चाहिए 6 बजे तक। ही केम ऑन ट्यूजडे, देखिए यहां पर दिन तारीख आ रहा है दोस्त, वो कब आया भैया, तो वो ट्यूजडे को आया, ही केम ऑन ट्यूजडे। आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, अब देखिए यहां अंतराल चला है, सुबह, सुबह कब होता है, अगर हम बात करें हिंदी महीने से तो सूर्योदय से हमारा सुबह हो जाता है, ठीक है, कब तक, मतलब 10-11 बजे तक हम लोग सुबह को पकड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश तारीख से देखें तो रात को 12 बजे के बाद से मॉर्निंग हम लोग एम पकड़ लेते हैं दोस्त, उस समय से आप जब भी ले लें, मतलब हम लोग हमेशा सुबह में टहलते हैं, मतलब एक लंबा समय होता है। अब जाएंगे घूमने जाएंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक, लंबे अंतराल की बात होती है। अब देखिए हम यहां पर बाई से एक आपको टाइम को इंडिकेट किए हैं, एक दूसरा एग्जांपल दिए हैं, कम एंड सीट बाय मी, आकर बगल में बैठ के देखिए, ये जो है यहां पर आपके पोजीशन को बता रहा है दोस्त। एक एग्जांपल हम ऐसा दे के रखे हैं ताकि आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल तो ऐसे भी होता है, यस एग्जाम्पल ऐसा होता है, इसलिए एक एग्जाम्पल देख रखे हैं ताकि आपको लगे कि नहीं हम यहां पर समय के लिए देख रहे थे, ये पोजीशन के लिए अलग से दिया गया है दोस्त, क्योंकि हम अलग से पोजीशन के लिए भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पोजीशन के लिए भी होता है, सेम प्रीपोजिशन आपका टाइम के लिए भी हो जाता है। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग एक ही शब्द से अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज के लिए कर लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंसेस।
अगला है अराउंड एंड थ्रू आउट। अराउंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्त? अराउंड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। आप ये नहीं समझ लेगा चारों ओर के सेंस में, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ अराउंड। बट यहां पर हम लोग प्रेपोजिशन के लिए क्या समझेंगे, अराउंड का मतलब लगभग के सेंस में होता है, और थ्रू आउट का मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, लगातार के सेंस में हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मिस्टर जॉन केम अराउंड 10 PM, मतलब मिस्टर जॉन कब आए? लगभग 10 बजे आए। कब आए? लगभग 10 बजे आए। अब आपको टाइम तो फिक्स पता नहीं है दोस्त, 10:10 भी हो सकता है, 9:50 भी हो सकता है, आपने घड़ी देखा नहीं, एक अंदाजा लगाया कि भैया अभी 9:30 बज रहा था, अभी तक नहीं आए हैं, थोड़ा समय बीत गया, उसके बाद वो आ गए, हाँ तो लगभग 10 बजे के आसपास वो आए होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि मिस्टर जॉन केम अराउंड 10 PM, ठीक है। ही वॉक्ड थ्रू आउट द नाइट, इसका मतलब क्या होता है, वो रात भर काम किए, उन्होंने रात भर काम किया। ही वॉक्ड थ्रू आउट द नाइट, जैसे आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट माई लाइफ। आपने कुछ अच्छा काम करा, मान लेते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छा काम करा, मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा, क्या बोलता हूं, मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा, थ्रू आउट माई लाइफ आई रिमेंबर योर गुड डीड्स, आपके अच्छे कर्मों को मैं आजीवन याद रखूंगा। तो हम लोग थ्रू आउट माई लाइफ, जब कोई आदमी पढ़ता है, जब कोई आदमी तैयारी करता है एग्जाम की, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी, आप रात रात भर पढ़ना शुरू करेंगे, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ना शुरू करेंगे, और सुबह में जल्दी उठ के पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्त, थ्रू आउट नाइट यू हैव स्टडीड, रात भर, एक लंबे पीरियड के, पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे दोस्त। अब अगला देखेंगे दोस्त यहां पर, बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए देखने में बहुत सेम है, सिर्फ एक एस का अंतर है दोस्त, बिसाइड एस लग गया तो बिसाइड्स, बट अंत इसकी मीनिंग में बहुत डिफरेंसेस है दोस्त। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, मतलब इसको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग समथिंग एल्स वुड बी देयर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिसाइड का यूज करते हैं दोस्त। यहां पर देख रहे हैं प्रेपोजिशन कैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। जैसे आप देखेंगे, गो एंड सिट बिसाइड हरी, जाओ और हरी के बगल में जाकर बैठ जाओ, देखिए बाय द साइड ऑफ मतलब बगल में। आप यहां पर बिसाइड के जगह पर अगर आप बाय का भी यूज करते ना दोस्त, तो ये सही था, कम एंड सिट बाय मी, ये भी सही था, कम एंड सिट बिसाइड हरी, सही है दोस्त। बिसाइड का हम लोग यूज करते हैं जाकर उसके बगल में बैठ जाइए, ठीक है। और यहां पर देखिए, बिसाइड्स मिस्टर बोस 5 persons were there, मतलब मिस्टर बोस के अलावा 5 लोग और थे, मिस्टर बोस के अलावा 5 लोग और थे दोस्त। इसका मतलब अगर हम लोग को ऐसे बोले, जैसे आप क्लास में हैं, तो आपके अलावा 10 बच्चे और भी थे, तो बिसाइड यू 10 students were also there, 10 बच्चे भी थे वहां पे आपके अलावा। जैसे एक मीटिंग होती है, आप क्लास में कोई कल्चरल कमेटी होगी, कोई स्पोर्ट्स टीम होगी, तो वहां पर आपके अलावा 10 खेलने वाले प्लेयर और भी होंगे। मान लेते हैं आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके अलावा और भी 10 प्लेयर होंगे, टोटल 11 की टीम होती है, तो हम लोग वहां पर ऐसे बोलेंगे दोस्त, बिसाइड्स मिस्टर बोस 5 persons वर देयर, इनके अलावा 5 लोग और भी थे। तो बिसाइड्स का मतलब हो जाता है के अलावा के सेंस में हम लोग यूज करेंगे, के अलावा, ठीक है। और बिसाइड का मतलब क्या कर लेंगे यूज, बगल में। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं दोस्त, बिसाइड का यूज करते हैं और बिसाइड्स का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर बाय और विथ। देखिए, अब आप बोलेंगे सर बाय तो आप यहां पर भी लिखे थे, बाय यहां पर भी लिखे थे, हां दोस्त एकदम लिखे थे, सामने लिखा हुआ भी है, बट इसके यूसेज में आपको अंतर दिखेगा कि अगर एक तरह का बाई का यूज करते हैं तो हमको यहां पोजीशन दिखता है, अभी दूसरा बाई यूज करेंगे तो आपको दिखेगा, अभी आपको समय के लिए भी देखिए यहां पर भी आपको दिखाए थे। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग एक ही प्रिपोजिशन, क्या बोले हैं, एक ही प्रिपोजिशन का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। अब यहां देखेंगे बाई का इस्तेमाल कब होता है, जब कोई डूअर होता है, आप याद होगा आपको पैसिव वॉइस में, हम आपको वो भी बताएंगे दोस्त। अगला हमारा जो सीरीज चलेगा पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री स्पीच के बाद, टेंस वॉइस नरेशन क्लॉज रिमूव टू डिग्री, सारा सेक्शन चलेगा दोस्त, ठीक है। तो उस समय हम लोग उसको ज्यादा पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहां पर समझ रहे हैं बाय का इस्तेमाल करते हैं जब कोई डूअर होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, मैं आम खाता हूं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है,
या डूअर कौन है? तो जैसे आई इट अ मैंगो, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो अ मैंगो इज इटन बाय मी, यहां बाय मी क्या है, डूअर हूं ना मैं, मैं नाम खा रहा हूं, तो क्या हो रहा है बाय मी, यहां पर बाय लग जाएगा, मतलब क्या हो रहा है मैं डूअर हूं, ठीक है। और विद का इस्तेमाल कब होता है, इसका मतलब भी वही होता है, बट एक कंडीशन है दोस्त, विद का इस्तेमाल हम लोग इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए, अब एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, दिस एसे इज रिटन बाय मी विद अ पेन, दिस एसे इज रिटन बाय मी विद अ पेन, यहां क्या मतलब निकल रहा है दोस्त, बाय देखिए यहां पर कौन है, मी, मी क्या है, डूअर है दोस्त, यहां पर बाय किसके लिए यूज हुआ, डूअर के लिए, और विथ किसके लिए यूज हुआ, पेन के लिए दोस्त, यानी कलम के लिए, यानी कि यह ऐसे जो है मेरे द्वारा लिखी जाती है, और कैसे लिखी जाती है, कलम से, मतलब यह ऐसे, यह जो निबंध है, अनुच्छेद है, मेरे द्वारा कलम से लिखी जाती है, दिस ऐसे इज रिटन बाय मी विथ अ पेन। दूसरा देखेंगे, द स्नैक वॉज किल्ड बाय हरी, वो सांप किसके द्वारा मारा गया भैया, तो हरी के द्वारा मारा गया, यहां पर बाइक का यूज किसके लिए हो गया दोस्त, डूअर के लिए हो गया। अब अगला देखेंगे, द लेटर वॉज रिटन विथ अ पेन, आप यहां देखिए, द लेटर वॉज रिटन विथ अ पेन, जो चिट्ठी है कैसे लिखी जाती, लिखी गई है, एक कलम से लिखी गई है, हो सकता है आप पेंसिल से भी लिख सकते थे, हो सकता है आप मार्कर से लिख सकते थे, हो सकता था आप इंक पेन से लिखते, बॉल पेन से लिखते, देयर मे बी एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हम यहां पर कैसे बोल रहे हैं, द लेटर वॉज रिटन विद अ पेन, चिट्ठी कैसे लिखी जाती है, तो एक कलम से लिखी जाती है, लिखी गई है, सॉरी है नहीं है, था, वॉज है ना, तो था, लिखी गई। आप यहां देखेंगे, द टाइगर वॉज किल्ड बाई अमर विथ अ गन, जो बाघ है अमर के द्वारा बंदूक से मारी गई, मतलब यहां पर गन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और अमर जो है मारने वाला है, मार रहा है कौन, अमर, डूअर, बाय, किससे मार रहा है, बंदूक से, क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय अमर विद अ गन, यहां पर हो जाएगा बाय डूअर के लिए और विद इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस वक्त फिर एक नया सेट लाएंगे अगले वीडियो में, जिसमें अलग अलग फिर से प्रेपोजिशंस का सेट बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और ज्यादा अच्छा समझेंगे और यूज करेंगे। आपको जहां पर भी दिक्कत होता है वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, नहीं समझ में आता है बार बार करके देखिए, समझ में आएगा दोस्त, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है, केवल क्या है कि हम लोग ध्यान देने में हम लोग को थोड़ा कांते हैं, पढ़ने में हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दीजिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है देखिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। और अगर आपके पास कोई किताब है ग्रामर की, आप कुछ नहीं कीजिए, जाकर उसके प्रैक्टिस को एक बार देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा, यूसेज करना जान जाएंगे, ठीक है दोस्त। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।